नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख और बीसीएन की टीम आज आई है वर्धा लोकसभा क्षेत्र के सेलू इस गांव में और यहां हम जानेंगे लोगों का जनमत, वो किसे अपना अगला सांसद देखते हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो है वर्धा लोकसभा क्षेत्र है, यहां पर दूसरे फेज में मतलब दूसरे चरण में चुनाव होने हैं जो कि 26 अप्रैल को है। क्या बताओगे चाचा, आप किसे अगला सांसद देखना चाहते हो? अगला सांसद ये बताओ मेरे को, तुमको भी अधिकार है ना वोटिंग करने का, तुम बताओ। ये सवाल तो मेरा है, मैं यहाँ पे आई हूँ आपका वर्धा लोकसभा। मीडिया वाले क्या करते हो, सिर्फ वोटर से पूछते, आपको भी बताया क्या तुमने? देखो, हम जो विकास है जो सबके साथ होता है उनके साथ हम रहते हैं, आप किसके साथ हो? कौन हम तो खानदानी कांग्रेस के साथ है। हाँ। आप हो, मुझे ये बताइए आपके यहाँ से जो है महा विकास आघाड़ी के प्रत्याशी अमर काये, मतलब आप उनके साथ हो? अमर काये महा विकास आघाड़ी के प्रत्याशी है जो कि राष्ट्रवादी शरद पवार के। हाँ, तो वो तो शिवर निकलना है इस साल बिल्कुल शिवर निकलना है। क्यों ऐसा लग रहा है कि वो शिवर निकल जाएगा यहाँ से? काम ऐसा है कि हमारे रामदास सदस्य जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, एक भी काम बता दो आप 5 साल में, एक विकास बताओ, एक भी विकास नहीं हुआ। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि वो किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ, हम जाते हैं गांव में और जानते हैं वहां से लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। चलिए हमारे साथ कुछ युवक हैं, उनसे हम जानेंगे वो किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। क्या बताओगे भाई? अगला सांसद तो हम बीजेपी छोड़कर कोई भी पक्ष का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको देखना चाहेंगे। ऐसा क्यों बीजेपी छोड़? रीज़न तो कई सारे हैं, जैसे कि 2014 का जो चुनाव था उसमें जैसे उन्होंने जो भी सारे आश्वासन दिए थे, अभी जो अपने पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कई सारे आश्वासन दिए थे, तो उनमें से 10% कंप्लीट हुए हैं। कई सारे जो निर्णय है डिसीजंस है वो उद्योगपति के साइड में है, जो हमारा जो कृषि प्रधान देश है, जो खेती करने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई मैं तो चाहूँगा कि और कोई भी आए। आप वोटिंग करते हो, आप किसे देखते हो अगला सांसद? अगला सांसद तो हमारे यहाँ अभी अमर काले है, तो ज़्यादातर तो लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं अभी। आप भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो फिर? जी बिल्कुल। आप किसे वोट करना चाहते हो या किसे अगला सांसद देख? अगला सांसद जैसे कि अमर काले वर्धा जिले के लिए ठीक आदमी है, लेकिन ऊपर जो बैठा है सेंट्रल में उसको जिताने के लिए हमें किसी और को भी वोटिंग करना पड़ सकता है। वो और कौन है? वो तो आप भली भांति जानते हो कि वो कौन है। तो आप किसे अगला सांसद देखना चाहते हो? आपको तो पता है आपके यहाँ से महाविकास आघाड़ी से जो है अमर काले है और महायुति से रामदास तड़स है, क्या बताओ? अमर भाऊ काले चुन के आने चाहिए, लेकिन ऊपर जो आदमी बैठा है उसको सपोर्ट करने के लिए एक एक एमपी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी को अवश्य वोट जाएगा यहाँ से। तो मतलब ऊपर जो है सेंट्रल में जो सत्ता बनेगी उनको सपोर्ट के लिए आप जो है रामदास तड़स को वोट देना चाहते हो? हाँ, मेरा वोट किसी को भी जाए, लेकिन यहाँ अभी आटे घाटे की टक्कर है। ये जातीय राजकारण जो होता ना, उस तरह से जैसे अमर भाऊ काले के जो वोट है वो कांग्रेस के पैनल से तो आएंगे, और लेकिन वो एक कुनबी समाज का है, तो कुनबी प्रजाति अपने क्षेत्र में बहुत है, इसलिए उनकी भी वोटिंग उतनी रहेगी। और जैसे जो पुराने सांसद अभी रह चुके हैं रामदास जी तड़स, तो उनकी भी वोटिंग पहले से है, लेकिन उनका प्रचार गांव-गांव में नहीं हुआ, वो कभी किसी क्षेत्र में गए नहीं, यानी बहुत दूर दूर रहे, इसलिए लोगों की बहुत नाराजगी उसमें है, इसीलिए उनका चुनाव में अभी जीतना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों में ऐसी चर्चा है कि जैसे ऊपर मोदी जी को अगर जिताना है तो रामदास जी को यहाँ से देना ही पड़ता है, इसीलिए तड़स आ सकता है। ऐसा तड़स वड़स कुछ नहीं, अमर भाऊ भी अच्छा है, तड़स भी ठीक है। आप किसे मतलब सांसद देखते हैं? ये तो बैठा है ना, उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है बताना। हाँ ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कई जातीय समीकरण दिखाई दे रहा है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग राय जो है सामने आ रही है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया है, वो क्या किसे देखते हैं अपना अगला सांसद। वोटिंग करते हो? हाँ। अच्छा, तो आप कहाँ से हो? हम इधर ही वर्धा।
किसे आपका अगला सांसद देखना चाहोगे? मोदी को। मोदी को, मोदी को क्यों? उसी को ही। वो तो पंतप्रधान है अभी फिलहाल के, आपके यहाँ से सांसद के लिए तो उम्मीदवार रामदास तरस और अमर काय है। और हाँ, क्यों अमर काय को? वो सब ठीक करते है। अभी तक उन्होंने क्या क्या ठीक किया है? सब किया है, हमारे गांव का रोड हुआ, घर हुए। अमर काय ने किए वो रोड, ऐसा आपको लगता है? अच्छा, वो तो विधायक रह चुके हैं। हाँ, और सांसद आपके यहाँ से तो रामदास तरस थे और अभी वो उम्मीदवार है फिर से, तो अमर काय को आप चुन कर देना चाहते हो? अभी हम आए हैं सेलू के, मतलब वर्धा लोकसभा क्षेत्र के सेलू गांव के मेडिकल चौक में, और हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो अपना अगला सांसद किसे देखना चाहते। क्या बताओगे काका, किसे देखते हो? हा? अगला सांसद किसे देखते हो? खासदार कौन पाजी तुम्हारा? हमारा खासदार अमर काय। क्यों काबर काबर तुम्हारा अमर काय पाजी खासदार? त्यांनी सुविधा लय गेली अमर काय ना, अमर काय सुविधा लय गेली, कोण गरीबांना वापस नाही पाठवलं त्या व्यक्तींनी, अशा प्रमाणे आम्ही बोलतो। आप आपका अगला सांसद किसे देखना चाहते हो? आता पाहू बाबा कोणाला द्यायचं तर कोणाला देऊ, कोणाला द्याल? आप तुमचं मत जे आहे ते एवढं देऊ ना, मी कोणाला देऊ? ते ओपन करायला लागते, ओपन नाही करायला लागत। हाँ, तो आप अगला सांसद किसे देखना चाहते हो? जाले जाले त्याले देऊ, आम्ही काही इतर सांगत नाही, ओपन काही करत नाही। अच्छा, तो कुछ लोग है अपना जो वोट है वो ओपन करना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। आप किसे देखना चाहते हो अगला सांसद? हम भी वैसे करेंगे, ये बोल रहे हैं वैसे नहीं, जो दिल में आएगा वही करेंगे ना। शेतकऱ्याला मारून टाका, शेतकऱ्याचा अनाजाचा भाव नाही काही नाही, आणि सल्फेटचा भाव वाढून राहिले, मजुरी वाढून राहिली, आणि याचं म्हणजे अनाजाचे भाव नाही काही नाही, मजूर भेटत नाही, मग हे कसं आहे? काय बोला हो, कापसाले का भाव कोणता देऊन राहिले 12 महिने? त्याचं मेहनत करत ते कास्तकार, त्याले 62-64 रुपये भाव आहे, मग कास्तकार जगन कायच्या भरोशावर? कपडा 12 महिने घालायला लागते कास्तकाराला, 12 महिने एक कपडा घालायला लागते। मोदीनं माती तेल विकून टाकलं कंपनीले, माती तेल कुठं गेलं? कास्तकारी इथं भाव भरून टाकले बंदे। हा, 15,000 भाव त्यानं 5,000 आणला कापूस, आणि 2,500 रुपये याच्याला लागते, 2,500 रुपये याच्याला लागते, मालूम आहे का कास्तकारी करून 5,000 तुम्हाला समजावून दालाट्याचे भाव जरा, मग याच्यावर नियंत्रण नाही का? नाही, कास्तकारीवर नियंत्रण काहीच नाही का? अगला सांसद कोण पाहिजे तुम्हाला? खासदार कोण? खासदार आम्हाला अमल काले पाहिजे। म्हणजे खासदार कोण कोण तुम्हाला वाटते की इथून खासदार झाला पाहिजे? आता जनतेच्या भरोशा आहे पण वो तो है, जनता के भरोसे पे ही सांसद और ये चुनकर आते हैं विधायक, लेकिन आप आपका अगला सांसद किसे देखना चाहते हो? मैं वाला। कौन? अमर काय। क्यों अमर काय? नया नया नया। आप वोटिंग करते हो कहा, किसे अगला सांसद देखना चाहोगे? अमर काय साहब। अमर काय क्यों? उनको यार अच्छा आदमी है वो, एक नंबर अच्छा आदमी है। तो मतलब किस तरह से अच्छे? यानी कि कौन सा भी काम बोले तो बराबर कर लेते हो, अपने बोला कि अपने को ये काम करना है तो अपने को साथ देते हो, अपने मुलाकात कर लेते हो तो अपना काम कर लेते हो। ऐसे कौन से अभी तक काम किए हैं क्या बताओ? क्या जब हम उनको बोले थे, जब वो कैसे दो दो पार्टी रहती ना, तो उसके साथ हमने उसको बोला था हमारा ये काम करके दो, तो हमारा काम करके दिया था उन्होंने। मतलब आपके काम कर दिए तो हो गया, वो सबके काम करेंगे? तो वाह, करें क्यों कि नहीं करेंगे, अगर लोगों ने अगर चुना तो कर देंगे ना वो काम। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि वो किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। यहाँ पर एक काका है, काका किसे अगला सांसद देखते हो आप? चुनाव है ना आपके यहाँ, किसे सांसद देखते हो अगला? सोचेंगे, अभी 2 दिन टाइम है,
सोचोगे, क्यों सोचोगे? मतलब कोई तो ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये अगर सांसद बन के आता है तो हमारे काम हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता। आप किसे मतलब वोटिंग करना चाहते हो, किसे सांसद चुन कर लाना चाहते? अभी दो चार दिन टाइम है, दो चार दिन में हम तय करेंगे। अभी तक तय नहीं किया आपने? तय नहीं किया। ठीक है, अभी तक तय नहीं किया है। और भी कुछ लोग हैं, आप वोटिंग करते हो? किसे अगला सांसद देखना चाहोगे? मोदी सरकार। मतलब मोदी सरकार, मतलब यहाँ से जो महाविकास महायुति के जो है रामदास सरस, उन्हें चुनकर देना चाहोगे? चुनकर, क्योंकि इतना विकास किया उसने, मोदी जी ने, रेलवे आई, समृद्धि आई, इतनी बड़ा शहर में इतना आया तो छोटा रोड अच्छे हो गए। कि रोड बने, समृद्धि महामार्ग बना दिया तो विकास हो गया और आपके सब काम हो गए, ऐसा लग रहा है? हो रहे ना, जनता का काम हो रहे, सब अच्छे काम हो रहे। आप किसे देखते हो अगला सांसद आपका? काहे पामर, पामर काहे को क्यों? अरे रोड ने बनाया राम तो गड्ढे कितने रोड को, हाँ बहुत खल गड्ढे, तीन जन मेरे वो रोड को अभी तो कहा है ना आमदार खासदार, एक भी नहीं आया, बहुत गड्ढे रोड को मेरे, तीन दस साल हो गए रोड नहीं बनाया। ये है पान की छोटी सी दुकान और यहाँ पे जो है हर रोज कई लोग आते हैं, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में चुनाव के मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होना लाजमी है। यहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे। काका क्या बताओगे, आपके यहाँ अभी चुनाव है, कुछ ही दिनों में मतदान होना है, किसे आप अगला सांसद देखना चाहोगे आप? अमर काले को। अमर काले को क्यों? ये आदमी का काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल में। कौन कौन है अभी के सांसद विद्यमान? ये है ना तड़क जी है ना। वो काम नहीं कर रहे इसलिए फिर अमर काले को आप चुन कर देना चाहते हो? आपको लगता है वो काम करेंगे? कौन से काम करना चाहिए ऐसा लगता है? सिलू में बस नहीं आती अंदर, पूरे इतने इतना बड़ा शहर रह के चार पांच बस आ जाती, फिर क्या प्रॉब्लम है? एक एक आदमी ने, एक लीडर ने बोला कि पूरी बस आने को होना बस स्टॉप पर, तो बस आती नहीं, फिर क्या संसद रह के फायदा? चलो और कुछ। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ, लेकिन आप किसे सांसद देखते हो यहाँ से? नहीं नहीं, अभी तक तो हम आज कल तक तो नरेंद्र मोदी को चाहते थे, अब जरा काश्तकारों का उन्होंने कुछ काश्तकारों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए काश्तकार जिनको जिनके यहाँ खेती बाड़ी है वो जरा नाराज है, क्या मालूम क्या होता है। अच्छा ठीक है, क्या बताओगे आप किसे अगला सांसद देखना चाहते हो आपके यहाँ से? मुझे ऐसा लगता है कि बदल होना चाहिए, एक ही आदमी को हमेशा चांद देके जनरल समस्या जो है पब्लिक की वो कुछ छुट्टी नहीं, क्षेत्रीय लोगों का प्रॉब्लम है, बसेस आती नहीं शिलू के अंदर में, 3.25 करोड़ रुपए का बस स्टैंड बनाया है लेकिन जल्द बसेस आती नहीं, आमदार खासदार को बोलो तो कोई ख्याल देते नहीं, तो इसलिए परिवर्तन अगर हुआ तो नए आदमी नई प्रेरणा से काम करेगा। तो परिवर्तन आप चाहते हो तो किसे चुनकर देना चाहोगे इस बार? अब जो मेजॉरिटी के अंदर में है उसको चुनेंगे। मेजॉरिटी में तो मतलब कौन, तो अभी कौन कौन तो नहीं बता सकते ना, अभी हमारा वोट थोड़ी से हम खुला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिवर्तन की बात कही है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि किसे वो अपना अगला जो है यहाँ पर सांसद देखना चाहते हैं। ये जो है भाजी सब्जी मंडी है, यहाँ पे सब्जी का मार्केट दिखाई दे रहा है, हर रोज लोग यहाँ आते हैं, उनसे हम जानेंगे उनकी राय, वो किसे अपना सांसद देखना चाहते हैं। क्या बताओगे, आपको पता है आपके यहाँ चुनाव है, मतदान प्रक्रिया जो है कुछ दिनों में सम्पन्न होगी, आप किसे अगला सांसद देखना चाहते हैं? किसे देखना चाहते हो आप, कुछ तो भी बताएं कि किसको देना चाहिए वोट? ये तो अपना अपना मत होता है, अपना अपना अधिकार होता है, आप बताइए आपको किसे वोट करना है, या आपको किसे किसे आप सांसद देखना चाहते हो कि ये काम करेगा ऐसा आपको लगता है? काम तो कोई कर नहीं रहा, सब गुंडे बढ़ गए, सब बेकारी बढ़ गई, तो आप बताओ कुछ तो भी ओपिनियन बताओ कि वोट किसको करना। ये तो आपको तय करना है, आपको जानना है कि हमारे यहाँ से हमारे लिए कौन काम करेगा, ये आपका अधिकार है, तो आप वोट करोगे कि नहीं? वोट करेंगे ना, क्यों नहीं, वो तो संवैधानिक अधिकार है मेरा वाला, मैं वोट करूंगा ना।
वही बताना चाहती हूँ, तो किसे आप सांसद देखना चाहोगे? फिलहाल तो दिमाग में नहीं आ रहा कोई, क्योंकि सब चोर भरे हुए हैं। इसके लिए सोचूंगा मैं। वर्धा लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, 26 अप्रैल को ये चुनाव संपन्न होंगे और कुछ ही दिन बाकी है मतदान प्रक्रिया को। हम आए हैं वर्धा लोकसभा क्षेत्र के सेनू गांव में और यहाँ के नागरिकों से हम जानना चाहते हैं वो किसे अपना अगला सांसद देखना चाहते हैं। अमर का है तुतारी। क्यों अमर का है? महंगाई बहुत बढ़ गई, 10 साल के पहले हमने 2 बार मारे वोट कमल को, लेकिन ऐसा फंस गए का ऐसा लग रहा। तो आपको लगता है अगर अमर का यहाँ से चुन के आते हैं तो वो मतलब महंगाई कम कर देंगे? कुछ ना कुछ फर्क गिरेगा, 400 पार नहीं हुए तो भी 272 के नीचे रहने को नहीं है। आप किसे अगला सांसद देखते हो? मेरे को तो मोदी चाहिए जी, आगे में मोदी चाहिए और अभी भी चाहिए और आगे में और 10-15 साल मोदी चाहिए। के लिए सांसद किसे बनाना चाहते हो आप? कौन आएगा क्या आएगा भरोसा ही नहीं, भरोसा नहीं कर सकते हम। हम भरोसा ही नहीं कर सक रहे ना, मोदी का चांस चालू है तो मोदी आएगा ऐसी गारंटी नहीं है। कोई भी आ सकता, कांग्रेस भी आ सकती, हाथी आ सकता, कोई भी आ सकता, उसकी कोई जरूरत नहीं। पर कोई भी सरकार रहो तो मेरा ये कहना है कि प्रति घर में एक एक व्यक्ति को सर्विस सरकारी गवर्नमेंट नौकरी दो, बस इतना ही बोलना। जय हिंद जय भारत। क्या बताओगे काका, आप किसे अगला सांसद देखते हो यहाँ से? हमको तुतारी को मत देना है। क्यों तुतारी को? यानी हम 3 बरस हो गए ना, तीसरी उसकी यह लेगीम है दत्ता मैगी की। दत्ता मैगी नहीं, रामदास तड़। रामदास तड़स की, तो उसको अभी ये साल में हमको नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहते हो? हमारे यहाँ आए ही नहीं ना वो, तीसरी लेगी में नहीं है, 2 लेगी में हो गई तो आई नहीं। आई नहीं आपके सांसद यहाँ से नदारद है, आई नहीं वो आपसे मिलने का। हाँ आई नहीं, इसलिए आप जो है इस बार जो है तुतारी के जो है प्रत्याशी अमर काय ने चुन कर देना चाहते। हाँ अमर काय को, बस यही कारण है। हाँ दूसरा कोई कारण नहीं है? दूसरा कोई कारण नहीं। आप किसे आपका अगला सांसद देखते हो? अमर काय। क्यों अमर काय? अमर काय करने वाला इंसान है, 2-3 बार अंदर रह चुका है, समझदार है, सबको समझ लेता है। किसी का काम पड़ा, किसी को काम पड़ा तो काम के ऊपर हाजिर हो जाए या फोन करेंगे, टालने वाला काम नहीं है। और रामदास तड़स जो है, अभी रामदास तड़स की 2 टर्म हो गई, इसके पहले वो एनर्जी थे लेकिन जनता को उनसे कोई समाधान नहीं मिला। अभी तक के जो चला वो चलते रहा, लेकिन इसके बाद में अभी अमर काय चलेगा सब तरफ वर्धा जिले में, अमर काय। आप किसे अगला सांसद देखते? अमर शरद राव काय। क्यों उन्हीं को? अभी आप जो देखे होंगे मेरे ख्याल से आप किसानों की समस्या के तय तक गए नहीं गए मेरे को मालूम नहीं है, पर आप ये सवाल क्यों पूछना चाहते हो? ये किसानों से अगर ज्यादा पूछेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप क्यों अमर काय को चुनकर लाना चाहते? देखिए हम कांग्रेस पार्टी से बिलीव रखते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के यहाँ काम करता है और हम खुद किसान है करके हम अमर काय को वोटिंग करेंगे। काका आप किसे अगला सांसद देखते हो आपका? अमर काय। अमर काय क्यों? क्योंकि जो देश को घातक जो पंतप्रधान है नरेंद्र जी मोदी, उनको हम हटाना चाहते, क्योंकि सब जो धोरण है वो सब जनता के विरोध में है। जैसा समझ जाओ शेतकरी शेत मजूर बहुत महंगाई से परेशान है, कपास को भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं, तुअर को भाव नहीं, तो क्या सभी अदानी अंबानी को वो कर्जा माफ कर सकते? किसान को देने के लिए उसके पास में पैसा नहीं है, ये विरोधी शेतकरी विरोधी शासन है। इसलिए हम ये सरकार को हटाना चाहते और अमर काय को विजयी बना के भेजना चाहते, और ऊपर का जो केंद्र का जो सरकार है उसको बर्खास्त होना चाहिए। जनता को मेरी विनंती है कि सभी लोग मिलके एक बार मोदी हटाओ और अपने जो कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के वो सभी सांसद चुन के दो, तो अपना कुछ तो भी खा रहेगा, नहीं तो अपने को एक दिन जैसा इंग्रज का अपने देश पे गुलामगिरी का सावट था उसी तरह का सरकार निर्माण हो जाएगा करके हम चाहते हैं कि तुतारी को अमर काय की तुतारी है, तुतारी को मतदान करो और मोदी सरकार को हटाओ। मतलब कौन खासदार पाहिजे? इकडे कौन बोला? अमर
आता कास्ट शेतीले काही भाव देत नाही, काही नाही, कोणाला द्याव काय काय समजत नाही, का करा भाव नाही, मेहनत करू काही हे आहे बा। आप किसे सांसद किसे वोट देना चाहते हो, किसे सांसद चुनकर लाना चाहते हो ताकि आपकी समस्या दूर हो? अभी तुतारी की है इच्छा, तुतारी की इच्छा है, आपको लगता है फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी? बोलता नहीं नहीं है तो ऐसा लग रहा। काका आप किसे सांसद देखते हो, खासदार कौन पाहिजे तुम्हाला? अमर काय का बर अमर काय आम्हाला काम करायचे गठबंधन आलं पाहिजे। हे काय मोदीने काय केलं आमच्यासाठी, शेतकऱ्याला काय दिलं? भाव नाही, बेरोजगारी, महागाई, काय मिळालं याच्यात मोदीने काय दिलं? हा आम्ही आमच्या भूमिकेला मैं आपको और ये बात ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हमारे वर्धा जिले में अमर काय की जो तुतारी है वो चलने वाली है, भाजपा सरकार को गिराना है। और एक बात है, ये जो है भाजपा वाले ये कुछ नहीं करते, सिर्फ वो लालच दिखाते हैं। और इस बार जो अमर काय है वो जरूर आएगा और हम जयसवाल के साथ है। अमर काय आने चाहिए, बस अपना इतना ही कहना है। बीजेपी से नाराज है अपन, पूरी महंगाई बढ़ा दी है बीजेपी ने, लालच देके 10 साल में हमको माटी मोल बना दिया मोदी साहब ने। तो हमने देखा कि हम वर्धा लोकसभा क्षेत्र के सेलू इस गांव में आए थे, यहां पर हमने जो है चुनावी महासंग्राम के मद्देनज़र यहां की जनता का जनमत जानने की कोशिश की, क्योंकि यहां पर कुछ दिनों में जो है मतदान होना है दूसरे चरण के लिए, लोकसभा के दूसरे चरण के लिए यहां मतदान होगा। और यहां हमने जानी लोगों की राय, मतलब जनमत उनका क्या है, वो किसे अपना सांसद देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, सेलू।